वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 24 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों का संरक्षण विधेयक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों के कार्यकाल में मौजूदा 5 वर्षों से कितने वर्ष कमी करने की व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था है 3 वर्ष कम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2019 का विषय क्या था? तो इसका विषय था माइग्रेन द पेनफुल ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत कितने मार्ग जुलाई 2019 तक कार्यात्मक हो गए? तो ये हो गए 8 मार्ग, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूकिया अमानो का निधन हो गया। हुआ है प्रमुख अमेरिकी एजेंसी के प्रमुख थे, जो इसके बाद से दुनिया भर में परमाणु मुद्दों को नियंत्रित करती हैं। तो ये थे 2009 के बाद से दुनिया भर में परमाणु के जो जितने भी मुद्दे थे उनको नियंत्रित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टो करेंसी को रद्द करने का सुझाव देने के बाद निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा सकता है, समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की अध्यक्षता की थी सचिव आर्थिक मामले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना ने जुलाई 2019 में चेन्नई में अपना कौन सा ड्रोन एयर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 313 तैनात किया है? तो ये तैनात किया है 5वां ड्रोनियर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में किस राज्य में एटीएम धोखाधड़ी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? तो ये दर्ज किए गए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते हैं 7 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2019 को टोक्यो में शुरू होने वाले जापान ओपन BWF वर्ल्ड टूर सुपर में भारतीय अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगे PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता किसने और भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान प्रसून बनर्जी को 29 जुलाई 2019 को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा केशव दत्त और प्रसून बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने सूचना का अधिकार विधेयक 2019 को कब पारित कर दिया? तो RTI एक्ट जो है ये दोबारा पारित हुआ 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में यात्रा करने वाले कांवड़ियों की सुविधा और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कांवड़ यात्रा प्रतिबंधन ऐप तैयार किया जाता है? तो ये ऐप तैयार किया जाता है मेरठ क्षेत्र में यात्रा करने वाली कांवड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC ने राजमार्ग परियोजनाओं को वित्त पोषित करने 2024 तक कितने ट्रिलियन रुपये की ऋण व्यवस्थाएँ मुहैया कराने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये व्यक्त की है 1.25 ट्रिलियन रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ओपन इनमें से किसने जीता है? तो ब्रिटिश ओपन जो है ये जीता सेन लोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों तथा व्यापारियों को त्वरित डिजिटल जुड़े हैं? तो क्लिक्स फाइनेंस के साथ भागीदारी की है। तो ये भागीदारी की है पेटीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIC होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी समर्थित ग्रीन इको एनर्जी होल्डिंग्स ने कितने मिलियन डॉलर की ऋण जुटाई है, राशि जुटाई है? तो ये जुटाई है 950 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू स्टार लिमिटेड ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से कितने मूल का एयर कंडीशनिंग और टनल वेंटिलेशन सिस्टम ठेका जीता है? तो ये जीता है 253 करोड़ रुपये के मूल्य का।